हाई ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माई चैनल. सो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, विच इज़ आर डे 65 ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज. जी हाँ, सो जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे कि आज हम बनाएंगे टिक टैक टो, जिसे हम जीरो काटा भी कहते हैं, है ना. सो ये गेम हमने बचपन में बहुत खेली है, अभी भी आप लोग, मतलब आप लोगों का तो बचपन ही है तो आप खेलते होंगे क्लास में, टीचर पढ़ा रही हैं पीछे लास्ट बेंच पे बैठ के, हम पीछे रजिस्टर के जीरो काटा खेल रहे हैं ना. सो दिस इज़ वन ऑफ दी फेवरेट पास टाइम एंड ईजी, कहीं पे भी बना सकते हैं, सिर्फ एक पेन और पेपर चाहिए एंड यू कैन स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम, राइट. सो कोड कैसे करेंगे? अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको दो लोगों के साथ कंप्यूटर पे रन कर सकूँ या कंप्यूटर के साथ मैं खेल सकूँ, तो हम किसी भी तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं. और आज की क्लास में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जैसे कि ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी कोड, तो मैंने इसको रन किया यहाँ पर. और अगर आप रन करोगे तो ये जो अभी गेम है, दिस इज़ बिटवीन टू प्लेयर्स. मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि एक गेम कंप्यूटर की तरफ से हो, एक मेरी तरफ से हो. उसमें हमें वो रैंडम मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने आपको डाइस गेम में बताया था. बट अभी दो प्लेयर्स के नाम से खेल रहे हैं, तो मैंने एक प्लेयर का नाम इनपुट कर लिया अंजलि, दूसरे प्लेयर का नाम एंटर कर लिया आरव. सो अभी तो फिलहाल मुझे ही एंटर करनी होंगी वैल्यूज, राइट. सो अभी जैसे आया अंजलि एंटर द पोजीशन ऑफ एक्स, तो मैंने बोला कि मुझे 3 पे चाहिए. सो आप चाहो तो यहाँ पे नंबर्स दिखा सकते हो कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, बट अदरवाइज आई एम जस्ट टेलिंग एज पर दैट पोजिशन. अब वो पूछ रहा है आरव से कि ओ की पोजिशन बताओ, तो उसने बोल दिया 5, तो यहाँ 5 पे ओ आ जाएगा, ठीक है. फिर अंजलि की पोजिशन, अब मैंने अगर यहाँ पे फिर से 5 एंटर किया तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस पर तो ओ ऑलरेडी है, तो वो मुझे ही दोबारा बोलेगा कि अंजलि एंटर द पोजीशन टू प्लेस एक्स. तो मतलब एक बार जो चीज़ आ गई हम उसको ओवरराइट नहीं कर सकते हैं, वो ओवरराइट नहीं हो सकता, ठीक है. अब यहाँ पर इसने एंटर कर दिया 4. अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 1 एंटर करूँगी तो मैं जीत जाऊँगी, तो लिखा हुआ आ जाएगा अंजलि विंस, और मेरे पास तीनों क्रॉस हो गए, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी कैन प्ले. तो इसमें 8 कंडीशंस होंगी विन की, कि या तो तीनों में क्रॉस आ जाए हॉरिजॉन्टली किसी भी एक रो में, या वर्टिकली किसी भी एक रो में, या फिर डायगोनली किसी भी रो में, ठीक है. अब इस पूरी गेम के पीछे कोडिंग क्या है? सो कोडिंग कुछ इतनी लंबी है, अगर हम देखें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंडीशंस हैं जो आपको बार बार लिखनी पड़ती हैं, नॉट मच. हम पार्ट्स में करके इसको समझेंगे. तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक डिक्शनरी ली है आपकी ग्रिड के लिए, क्योंकि ग्रिड में 9 प्लेसेस हैं, 9 जगहें हैं, है ना. तो 9 प्लेसेस पे इनिशियली क्या आ रहा है? स्पेस. सिंस वहाँ पे इनिशियली स्पेस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कि की 1 की वैल्यू क्या है? स्पेस. 2 की वैल्यू है स्पेस. 3 की स्पेस. सेम वे 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो 9 पोजिशंस हैं जिनमें इनिशियली जो है वो स्पेस है. ये मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसकी हेल्प से मैं ग्रिड को शो करा रही हूँ. सो ये फंक्शन क्या कर रहा है? वो जो आपकी लाइंस वाली ग्रिड बन के आ रही थी जिसमें क्रॉस और जीरो शो हो रहा है, ये उसको दिखाने के लिए. ये क्या करता है? ये हाइफन इनटू 13, मतलब वो 13 टाइम्स हाइफन प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है. फिर जो ग्रिड 1 पे वैल्यू है वो प्रिंट होगी. ये लाइन मैंने कंकैटिनेट कराई है ताकि वो ग्रिड आपको ऐसे दिखे, वो जो लाइन बन के आ रही थी. तो पहले एक हाइफन्स की लाइन आ जाएगी इससे, फिर यहाँ पर ऐसे स्टैंडिंग लाइन आएगी, ग्रिड 1 पे जो पड़ा हुआ है वो आएगा, इनिशियली खाली था तो स्पेस प्रिंट होगा, फिर एक लाइन आएगी, फिर स्पेस, फिर लाइन, फिर स्पेस, फिर लाइन, फिर एक लाइन ऑफ हाइफन्स आ जाएगी, फिर आपके पास ऐसे डायरेक्ट, और फिर सो इसी तरीके से अगर आप देख रहे हो तो हमारा वहाँ पे प्रिंट हो रहा है. तो मैं आपको एक सेकेंड ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है. वैसे हमने नंबर पैटर्न्स इतने सारे किए हैं तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हाउ इज़ इट वर्किंग. अगर आप डे 1 से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना. नहीं फॉलो कर रहे हो तो फिर हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो. सो ये हाइफन इनटू 13 से 13 हाइफन प्रिंट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है. फिर ये लाइन आएगी, फिर जो भी डिक्शनरी में 1 पोजिशन पर वैल्यू है जो कि स्पेस है, फिर लाइन आएगी, फिर 2 पोजिशन वाली वैल्यू, फिर लाइन आएगी, फिर 3 पोजिशन वैल्यू, फिर ऐसे, फिर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी इससे, फिर ऐसे ही 4 वाली वैल्यू, 5 वाली वैल्यू, 6 वाली वैल्यू, फिर लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर 7, 8 और 9 वाली वैल्यू कंकार्डिनेट हो जाएंगे साथ में ये बार्स. तो ये ग्रिड आपकी प्रिंट हो रही है, और इस शो को हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको फंक्शन में पुट कर दिया है. तो अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे जहाँ से भी हमें उसको कॉल कराना हो. अब आती है मेन कोडिंग शुरू. मैंने यहाँ पे प्लेयर 1 का नाम पूछ लिया, प्लेयर 2 का नाम पूछ लिया.
अब मुझे पता कैसे चलेगा कि किसकी टर्न है ना? तो एक वाइल्ड ट्रू लगा दिया, एक लूप लगा दिया जो चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट है, बीच में हम ब्रेक लगाएंगे लूप से बाहर आने के लिए, बट हाउ विल आई कम टू नो कि किस प्लेयर की बारी है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो प्लेयर्स में आप खेल रहे हो तो एक बार इसकी एक बारी मेरी, एक बार इसकी एक बारी मेरी, मतलब इवन ऑड है ना, एक बार टू एक बार मैं, तो हम यहाँ पर टू से डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि टू से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो रिमाइंडर दो ही आते हैं, या जीरो आएगा या वन आएगा। जीरो आया तो एक बंदे की टर्न है, वन आया तो दूसरे की टर्न है। अगर आप कोई चार प्लेयर्स वाली गेम बनाते हो और आपको टर्न डिसाइड करनी है तो आप मॉड फोर करके देखोगे, तो अगर हम मॉड फोर करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास या तो जीरो आएगा या वन या टू या थ्री, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं मॉड फोर कर रही हूँ तो आई विल गेट जीरो वन टू थ्री, तो जीरो वन टू थ्री का मतलब है फोर प्लेयर्स होंगे। मैं कंडीशन चेक कर सकती हूँ कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो फर्स्ट प्लेयर की बारी है, अगर रिमाइंडर वन है तो सेकेंड प्लेयर की बारी है, टू है तो थर्ड प्लेयर की बारी है, सो ऑन लाइक दैट। सो ये जो रिमाइंडर साइन है हमारा, जो मॉडुलस ऑपरेटर है, दिस हेल्प्स अस कि हम इसके थ्रू पता लगा सकें कि कौन से प्लेयर की टर्न है। तो यहाँ दो प्लेयर हैं इसलिए हम टू से डिवाइड कर रहे हैं। सो वाइल ट्रू शुरू हुआ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया टर्न जिसमें इनिशियली वन है, इसी की हेल्प से हम चेक करेंगे किसकी टर्न है। अगर ये टर्न को टू से डिवाइड करके रिमाइंडर वन आता है तो मैं कह रही हूँ भाई पहले वाले बंदे की टर्न है एक्स की, ठीक है। अगर नहीं आता मतलब जीरो ही आएगा, तो जीरो वाले की टर्न है। तो हम उससे पूछ लेते हैं उसका नाम प्रिंट करके कि एंटर द पोजिशन, उसने पोजिशन एंटर करी। नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि जो पोजिशन उसने एंटर करी है वो वैलिड हो, मतलब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ही होनी चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। तो हमने चेक कर लिया कि पोजिशन इन ग्रिड, वो जो पोजिशन है वो आपकी डिक्शनरी में है, अगर है मतलब हाँ जी इट इज़ वैलिड, एंड उस पोजिशन पे जो पड़ा है वो स्पेस होना चाहिए, उसमें पहले से क्रॉस या जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक तो वो पोजिशन वैलिड हो, दूसरा वो पोजिशन खाली हो, उसमें पहले से कुछ भी ना हो। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम उस पोजिशन पे क्रॉस पुट करेंगे और टर्न चेंज करेंगे। लेकिन अगर वो इनवैलिड पोजिशन एंटर करता है या वो ऐसी पोजिशन एंटर करता है जिसपे पहले से क्रॉस या जीरो है, तो हम टर्न को इंक्रीज ही नहीं करेंगे, क्योंकि टर्न जब तक इंक्रीज नहीं होगा, मान लो टर्न आपके पास थ्री था तो अभी भी थ्री रहेगा, तो फिर से उसी बंदे की बारी आएगी, फिर से थ्री है तो फिर से उसी की बारी आएगी, तो वो बार बार उसी की ही टर्न दिखाएगा जब तक आपका टर्न इंक्रीज नहीं होता। और टर्न को इंक्रीज हम तभी करेंगे जब एक सही पोजिशन एंटर हुई है जहाँ पे हमने क्रॉस दिखा दिया, और फिर टर्न वन से इंक्रीज होना चाहिए। सिमिलर कोड है ओवल के लिए, कि आपने पूछा कि एंटर द पोजिशन, चेक किया पोजिशन वैलिड है तो हम ओवल पुट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड टर्न विल ओनली इंक्रीज जब आपको वैलिड पोजिशन मिलती है। सो ये आपके लूप में आ गया पहला काम, जिससे ये डिसाइड हो रहा है कि भाई क्रॉस कहाँ आएगा, जीरो कहाँ आएगा। चलो ये तो हो गया, बट साथ साथ ये भी तो चेक करना है कि कोई जीता या नहीं है ना, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। सो कोई जीता या नहीं जीता उसके लिए आपके पास आठ कंडीशंस बनती हैं। तो कंडीशन सारी सेम है लेकिन लिखनी पड़ेंगी आठ बार। तो पहली कंडीशन में मैंने चेक किया कि ग्रिड वन इज इक्वल टू ग्रिड टू इज इक्वल टू ग्रिड थ्री एंड ग्रिड वन इज नॉट इक्वल टू स्पेस। खाली नहीं है, क्योंकि स्पेसेस भी अगर तीनों में है तो इक्वल ही हुए ना वो तो, पर हमें ये देखना है कि स्पेस नहीं है पर फिर भी तीनों इक्वल हैं। सो ग्रिड वन इज इक्वल टू ग्रिड टू इज इक्वल टू ग्रिड थ्री और वहाँ स्पेस नहीं है, मतलब या तो वहाँ पे क्रॉस होगा या वहाँ पे ओवल होगा। अगर क्रॉस हुआ तो प्लेयर वन विंस, एल्स प्लेयर टू विंस, ग्रिड को दिखाओ और ब्रेक कर दो, ठीक है। सो हमने ग्रिड को दिखाया और ब्रेक कर दिया। नाउ ऐसे ही आठ कंडीशंस बनती हैं, एलिफ ग्रिड 4 5 6, मतलब सेकंड रो को चेक किया, फिर ऐसे ही आपने 7 8 9 थर्ड रो को चेक किया, 1 4 7 इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, 2 5 8 सेकेंड वर्टिकल लाइन, 3 6 9 थर्ड वर्टिकल लाइन, एंड देन यू हैव टू चेक फॉर टू डायगोनल्स। डायगोनल्स के बाद हम लास्ट में कंडीशन चेक कर रहे हैं कि भाई अगर 9 टर्न्स हो गई है ना, इफ वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 9 टर्न्स देन इट इज अ ड्रॉ, कोई भी नहीं जीता इन दैट केस। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ और बाय चांस ऐसा होता है कि 9 टर्न्स हो जाती है और कोई भी नहीं जीतता, लाइक दिस टाइम आई एंटर अनु एंड कबीर, ठीक है, सो आई एंटर 3, आई एंटर 5, I enter 1, I enter 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पे क्रॉस पुट कर दिया, ठीक है। अब ओवल की बारी है, कहाँ पे पुट कर रहे हैं, 4 पे पुट कर देते हैं,
4, 5, 6 पे अब वो क्रॉस पुट कर देगा, है ना। अब उसको बचाना है कि क्रॉस वाला ना बने, तो वो 9 पे ओवल प्रिंट कर देगा, तो इट विल बी अ ड्रॉ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 पे अब हम क्रॉस पुट कर देंगे, सो इट इज़ अ ड्रॉ। ड्रॉ वाले मैसेज के नीचे मैंने शायद शो कॉल नहीं किया होगा, इसलिए ये लास्ट वाला क्रॉस उसने दिखाया नहीं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे इट्स अ ड्रॉ हो रहा है उसके बाद भी हम शो को कॉल करें, ताकि जो फाइनल ग्रिड है वो ड्रॉ के बाद भी डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो वी हैव टू कॉल इट हियर। अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो ग्रिड नहीं दिखेगी, जैसे कि अभी नहीं दिखी। सो लॉजिक कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेंदी इसलिए है क्योंकि सेम कंडीशंस बार बार लिखनी पड़ रही हैं आपको, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, बट यू हैव टू राइट दैट, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये तो आपके पास एक कोड हो गया, इसको आप अच्छे से समझो, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, देन यू कैन जस्ट ट्राई टू राइट दिस कोड ऑफ योर ओन। नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, देन आई विल गिव यू द कोड, राइट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि कॉपी मत करो कोड को, कॉपी इन द सेंस कि मैं आपको पूरी पाइथन की फाइल दे दूँ और आप उसी को चलाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप यहाँ से देखो, समझो, लॉजिक को समझो और ख़ुद से कोड करो, आप उसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो। दूसरा चेंज जब ये आपका चल जाएगा, वॉट चेंज यू शुड डू इज़ कि इसमें एक ही प्लेयर का नाम पूछो और दूसरा प्लेयर आपका कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर अपने आप एक पोजिशन डिसाइड करेगा जहाँ पर उसको क्रॉस या ज़ीरो शो करना है, एंड उसके लिए आपको करना पड़ेगा इम्पोर्ट रैंडम, और रैंडम डॉट रैंड इंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं दैट हाउ यू हैव टू पुट द क्रॉस और ज़ीरो फॉर कंप्यूटर साइड। यूजर से तो हम इनपुट करवा लेंगे। सो थिंक ओवर इट, बनाइए गेम, बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि मैम बन गई नहीं बनी, कैसा लग रहा है, और सबसे पहले तो ये बताओ कि ये देख के कैसा लग रहा है। सो ये जो अभी मैंने आपको दिखाई है, हाउ डू यू फील अबाउट इट, आई एम शोइंग यू द कोड वंस अगेन। एक बार ये सबसे पहले डिक्शनरी है, फिर शो फंक्शन है, प्लेयर्स का नाम पूछा, फिर हमने लूप लगाया, ये जो कोड है दिस इज टू डिसाइड कि क्रॉस दिखाना है या ओवल दिखाना है। इस कोड के बाद सारी कंडीशंस हैं, कंडीशंस सारी एक जैसी हैं, बस पोजिशंस चेंज हो रही है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो 8 कंडीशन आएंगे, ठीक है, और लास्ट में आपके पास ड्रॉ की कंडीशन आ जाएगी, विच इज दिस। सो दैट्स द लास्ट पार्ट। So that's how you have to code for this game called Zero Kata or Tic-Tac-Toe. अगर बना के मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में लिखना है कि येस मैम इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, मज़ा आया, और फिर आप ट्राई करोगे कंप्यूटर के लिए बनाने का विद द हेल्प ऑफ रैंडम, और जब वो बन जाएगा तो वापस आओगे और कमेंट करके बताओगे कि बना लिया मैम, अब हम भी बन गए हैं पाइथन में नूब टू प्रो, हाँ। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होगे, नहीं भी किया है तो कर लो अभी, कोई पेमेंट तो करनी नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक बटन दबाना है। सो डू क्लिक ऑन इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, योर जूनियर्स, योर सीनियर्स, हूसोएवर इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग कोडिंग। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।